नमस्कार, मैं फिरोज अली। आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना क्षेत्र शेरगढ़ की, जहां पर एक पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पारिवारिक विवाद चल रहे थे जमीन को लेकर। लेकिन जब उसकी शिकायत करने वह थाने पहुँची तो पुलिसकर्मियों ने उससे की है अजीब तरह की बात। कोई बोल रहा है कि रात को आना, तो कोई बोल रहा है कि मैं रात को आ रहा हूँ तेरे घर। आइए, क्या आरोप लगा रही है महिला और पहुंची है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने। क्या आरोप है उसके, आइए दिखाते हैं बरेली से ये खबर। क्या नाम है आपका? आज एसएसपी साहब के आए, क्या समस्या है बताओ? 17 तारीख को आए थे और आज फिर आए 17 तारीख। क्या समस्या है बताओ? जमीन का बैठा है हमारे सास के नाम में खेत है, तो उसके मामले में हम थाने गए थे। अगर हमने कही हमें हक करवा लो, तीनों भाइयों के हिस्सा बंटवारा करवा दो। तो एक बार हमारे जेठ ने पूरन लाल ने बेच के अपनी लड़की का ब्याह कर दिया, शादी कर दी। अब दोबारा फिर ठहरी उसमें नगरी 2-3 लाख की। कोई कल बेचना चाह रहे हैं, हिस्सा ही नहीं दे रहा है। कई तो कह रहे हैं चांद से मार दूंगा, गोली मार दूंगा। कौन? हमारा जेठ पूरन लाल। अब हम थाने गए तो थाने में उसने ऐसो दरवा को 10,000 रुपये रिश्वत दे दी। वो कह रहा है तू रात में आ रही है दरवा, कह रहा है बच्चों को लेकर, और ऐसो कह रहा है तू चल मैं आ रहा हूँ तेरे घर रात में। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं रिश्वत खा के। कौन थाने का थाना? कौन सा? कोई देख रेख नहीं है, निलंबित करवा दो। थाना कौन है? थाना शेरगढ़ है, जिला बरेली, तहसील। एसएसपी साहब मिलते ही नहीं, जब भी आते हैं जो छोटे मोटे अधिकारी मिलते हैं। क्या लड़ रही हो? लड़ाई हो गई घर शाम, बहुत लड़ाई हो गई।